आज मैं आप लोगों के लिए बीटरूट की इतनी हेल्दी जूस की रेसिपी लेके आई हूँ। जब आप इसे बना के पियोगे तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बीटरूट की जूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम बीटरूट लिया है। इसे हमने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। अब चलिए अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं। ये सारे बीटरूट का अच्छे तरीके से छिलका उतार लेंगे। अगर आप लोगों के शरीर में अनीमिया की शिकायत है तो आप लोगों को ये हेमोग्लोबिन की कमी पूरी कर देगा, अगर आप लोग इस तरह से ये जूस बना के पियोगे तो। तो चलिए फिर ये चुकंदर अच्छे तरीके से छिल के रेडी हो चुका है। अब इसके आगे पीछे का इस तरह से भाग हम हटा देंगे और इसको बीच से कट कर लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से हम बीट रूट को काट रहे हैं, उसी तरह से आपको काट लेना है। इसको छोटे छोटे भाग में हम इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हो बीट रूट को किस तरह से हम काट रहे हैं, उसी तरह से आपको काट लेना है। सारे बीट रूट को हमने छोटे छोटे पीस में कट करके रख लिया है। अब चलिए अब हम इसे एक मिक्सी के ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे। तो चलिए फिर हम इसको मिक्सी के जार में डाल देते हैं। आप देख सकते हो सारे पीस को हमने मिक्सी के जार में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालने के लिए 3 आंवला लेंगे। आप देख सकते हो अब हम इसमें आंवला छोटे छोटे पीसेज में कट करके डालेंगे। आंवला को भी हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसका हम छोटा छोटा टुकड़ा इस तरह से चाकू से काट लेंगे और इसको भी हम मिक्सी जार में साथ में ऐड कर देंगे। आप लोग एक बार मेरे तरीके से बीट रूट का जूस बना के ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और साथ में पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि आंवला को भी हमने अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीस में कट करके रख लिया है। अब इसे भी हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। आंवला का पीस डालने के बाद हम इसमें 8-10 चम्मच पानी ऐड करेंगे। तो चलिए फिर इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। पानी डाल के मिक्सी के जार को हम बंद कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए फिर हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर चुके हैं, आपको हम ढक्कन खोल के दिखलाते हैं। आप देखेंगे कि बीटरूट अच्छे तरीके से पीस चुका है। अब चलिए इसको छान लेते हैं। हमने एक बर्तन के ऊपर छलनी डाल दिया, उसके ऊपर से कॉटन का कपड़ा ऐड कर दिया है और उसके ऊपर अब हम यह चुकंदर वाला पल्प ऐड करेंगे। आप देख सकते हो हमने इसको अच्छे तरीके से सारा बीटरूट का पल्प डाल दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको छलनी में भी छान सकते हैं। मेरा छलनी जो थोड़ा मोटा जाली था, इसलिए हमने इसके ऊपर से कॉटन का कपड़ा डाल के इस बीटरूट को इस तरह से डाल के इसका हम जूस निकाल लेंगे। आपको दिखा देते हैं किस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से हाथों से दबा दबा के इसको हम निचोड़ लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। बीट रूट का जूस अब अच्छे तरीके से कॉटन के कपड़ा में से निकल चुका है। अब छलनी को हटा देंगे और इसको हम एक ग्लास में डाल देते हैं। तो चलिए फिर अब हम इसे एक ग्लास में हम सर्व करते हैं। आप लोग एक बार मेरे तरीके से बीट रूट का जूस बना के ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। आपने देखा होगा कि ये बीट रूट का जूस कितने झटपट तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 2 चुटकी काला नमक ऐड कर देंगे। तो चलिए फिर इसमें हम काला नमक पाउडर ऐड कर देते हैं। काला नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप लोग इस हेल्दी बीट रूट के जूस को बना के ट्राई करिए और पीजिए। अगर आप लोगों को बीट रूट की जूस की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।